कॉमर्स क्लासेस डिसोल्यूशन के एक और वीडियो में आप लोग का वेलकम है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सम जो है स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को ये जो स्टेप्स है ये आप लोग को दिमाग में बिठा लेना है, और अच्छी तरीके से आप लोग को इसको याद रखना है कि किस तरीके से हमने स्टेप्स समझा और किस तरीके से हमको स्टेप्स को अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चन में। एक बार अगर आप लोग को स्टेप समझ में आ गया, आप लोग को स्टूडेंट्स कैसा भी डिसोल्यूशन का कैसा भी क्वेश्चन अगर आया आप लोग को एग्जाम में, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप्स डिसोल्यूशन का। तो चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट्स स्टेप्स हमें याद रखना है, स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स ध्यान रखने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स पहला फर्स्ट चीज आपको क्या आएगा, क्वेश्चन विल बी गिवन। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा, किस फॉर्म में दिया होगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट एंड एडजस्ट, बैलेंस शीट दिया होगा आप लोग को, और उसके नीचे क्या दिया होगा आपको, एडजस्टमेंट दिया होगा। ठीक है, तो आपको क्या सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को रीड करना है केयरफुली। ठीक है, बैलेंस शीट आपको अच्छे से देखना है और एडजस्टमेंट आप लोग को अच्छे से पहले रीड कर लेना है सम सॉल्व करने के पहले। तो सेकंड शीट में आप लोग ध्यान रखना है कि सेकंड जो है वो आप लोग को क्या करना है, मेक अ फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आप लोग क्या करना है, लेजर बनाना है स्टूडेंट्स, मेक अ फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर्मेट एज पर क्वेश्चन। ओके, मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मेट और भी बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, एज पर क्वेश्चन, अगर सपोज आप लोगों को करंट अकाउंट क्वेश्चन में देता है, ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट देता है या पार्टनर्स का लोन अकाउंट देता है स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपको क्या करना है, दो फॉर्मेट और प्रिपेयर करने हैं, वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अदरवाइज अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर आप लोगों को नहीं दिया है, कुछ उससे रिलेटेड नहीं दिया है अगर वहां पे, तो आप लोगों को तीन अकाउंट कंपलसरी बनाना है, जो कि तीन अकाउंट कौन से स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आप लोगों को, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। ओके, तो तीन अकाउंट आपका कंपलसरी है और दो अकाउंट आपका एज पर द क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो उसके बेस पर हमको क्या करना है, उसको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टेप नंबर टू है ये हमारा चेंज भी हो सकता है, चेंज कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, और दिया है मैंने यहाँ पे मेक अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो आपको पता ही होगा, आपने 11th में किया है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है तो आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाना है जर्नल एंट्रीज का, या तो आप लोग स्टूडेंट्स वो लोग दे सकते हैं लेजर, या तो आप लोग दे सकते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अगर लेजर देंगे तो लेजर का मैंने कंडीशन बता दिया आप लोग को, और अगर जर्नल एंट्री देते हैं तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाना है और जर्नल एंट्री पास करना है उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड जो स्टेप है स्टूडेंट्स ध्यान देना है इस पे, ट्रांसफर करना है आप लोग को ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रांसफर करना है आप लोग को जितना भी असेट्स है और जितना भी लायबिलिटी है, सारा का सारा असेट्स, सारा का सारा लायबिलिटीज, क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कहां पे करना है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट इन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है एंड कैश एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके, और अगर आप लोग को अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट देता है तो उसका अलग से आपको क्या करना है, उसका अलग से लेजर बना के और पार्टनर्स लोन अकाउंट में आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से कंटेंट जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही कंटेंट जाते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे हक किसका रहता है स्टूडेंट्स, ये जो पार्टनर्स होते हैं उनका क्या होता है, हक होता है किस पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सपोज पिछले साल कंपनी को 20,000 का लॉस हुआ था, ठीक है, तो वो 20,000 का लॉस कौन बेयर करेगा स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है पार्टनरशिप बेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देना आप लोगों को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ऑफ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल रहेगा, रिजर्व्स आएंगे, रिजर्व्स कुछ भी हो सकता है, जनरल रिजर्व्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको लिखना है। ओके, कैश एंड बैंक अकाउंट स्टूडेंट्स, कैश और बैंक बैलेंस जो दिया होगा स्टूडेंट, बैलेंस शीट में आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा तो वो आपका कंटेंट कहां जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में। ठीक है, और बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड जो दिया है हमें, फोर्थ दिया है पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन ऑफ स्पेसिफिक पार्टनर। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि सपोज ए बी सी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट लगी, पैसे की जरूरत लगी, तो उस टाइम पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो मिस्टर सी है वो क्या करता है,
ए और बी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर सी को। मिस्टर सी जो है थोड़ा पैसे वाला पर्सन है, ठीक है। तो ए और बी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर सी को और उसको बोलते हैं, देखो भाई हमने बैंक से अप्लाई किया या यहाँ से अप्लाई किया वहां से अप्लाई किया हमने, तो हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमें लोन नहीं मिल रहा है। तो ए और बी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सी को कि भाई आप हमें इतने रुपए का अगर लोन दे सकते हो तो प्रोवाइड कर दो आप। तो मिस्टर सी क्या होता है, एग्री होता है और उस टाइम पे क्या करता है, बिजनेस को कुछ लोन प्रोवाइड कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये जो पैसा है ये कैपिटल नहीं है सी का, सी का कैपिटल नहीं है। सी ने क्या प्रोवाइड किया है, लोन प्रोवाइड किया है और उसपे वो क्या कमाएगा, वो क्या लेगा, उस पर इंटरेस्ट लेगा। ओके, तो मिस्टर सी ने जो पैसा दिया है एक्स्ट्रा पैसा वो एज अ लोन दिया है ना कि एज अ कैपिटल दिया है। तो मिस्टर सी क्या करेगा वहां से, वो इंटरेस्ट के तौर पर वहां से वो पैसा कमाएगा। तो स्टूडेंट ये जो पैसा है ये पैसा कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, ये पैसा जाएगा पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, ठीक है। जो मिस्टर सी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अकाउंट बनेगा एक मिस्टर सीज लोन अकाउंट, मिस्टर सीज लोन अकाउंट, ठीक है। और वो पैसा कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, मिस्टर सी के लोन अकाउंट में, ओके। और रिमेनिंग पार्टनर जो है स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, उस पैसे को पे करेंगे जब बिजनेस क्लोज होगा तब, ओके। तो स्टूडेंट्स अब देखना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को तीन अकाउंट तो बता दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल जाएगा, दूसरा रिजर्व जाएगा और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा, ठीक है। और एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, जो भी पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी, ठीक है, वो जाएगी कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ये जो मैंने दूसरा बताया आपको कैश एंड बैंक अकाउंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा स्टूडेंट्स, कैश और बैंक बैलेंस जाएगा, ठीक है। जो कि जो भी बैलेंस शीट में कैश और बैंक बैलेंस दिया होगा वो कहाँ पे जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में। और तीसरा स्टूडेंट्स जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का लोन जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको दिया रहेगा सीज लोन अकाउंट, ठीक है, एज लोन अकाउंट या बीज लोन अकाउंट, जिससे भी लोन लिया होगा उन्होंने उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रीपे करना पड़ेगा, ओके। अब आते स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ये सारी चीजों को, ठीक है, ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, ये जो तीनों चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी जितने भी असेट्स एंड जितने भी लायबिलिटीज है, ठीक है, जितने भी असेट्स जितने भी लायबिलिटीज है, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, करंट असेट्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें कहां जाएंगी स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। और आपका क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब का सब कहां जाएगा स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा भी है रिमेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, रिमेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब स्टूडेंट्स जो भी इसमें चला गया, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी कंटेंट रहेंगे आपके वो कहां पे जाएगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। तो स्टूडेंट्स होप आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। यहां पे स्टूडेंट क्या करना है, हमें क्लोज करना है अकाउंट, ठीक है। जब हमारा एक बार ये हो गया, ठीक है, एंट्री पास हो गया, तो इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व ऑल दी एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था, फोर्थ स्टेप जो है हमारा ये आना चाहिए था, ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ऑल द एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, जिस तरीके से आपने फाइनल अकाउंट किया होगा 11th क्लास में, ठीक है। तो 11th क्लास में कैसा दिया था, दिया होता था आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता था ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या दिया होता था, उसका एडजस्टमेंट दिया होता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट क्या करते थे, पहले सॉल्व करते थे, उसके बाद में जितने भी कंटेंट होते थे वहां पे ट्रायल बैलेंस में वो क्या उसको क्या करते थे हम लोग ट्रांसफर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं करना है, आप लोग को फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी असेट्स और जितने भी लायबिलिटीज है उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है पहले, ठीक है। जो मैंने आपको बताया जितने भी असेट्स है जितने भी लायबिलिटीज है उसको क्या करो, पहले ट्रांसफर करो, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व ऑल दी एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। पूरे के पूरे एडजस्टमेंट क्या करना है आप लोग को, सॉल्व करने हैं, और वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग को एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग आगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने जब ये एडजस्टमेंट हमारा सॉल्व कर दिया, ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद स्टूडेंट हमें क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, ठीक है, इसका जो बैलेंस है स्टूडेंट्स इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, ट्रांसफर करना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने, ठीक है, इसको क्लोज करके हमको ट्रांसफर क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इसको क्लोज करके स्टूडेंट
जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कैश इन बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो रियल एस्टेट अकाउंट को क्लोज करने के बाद आपको वो पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद वो पैसा आपको ट्रांसफर कहाँ करना है, कैश इन बैंक अकाउंट में। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया हुआ है तो उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे। अगर सपोज आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर दिया अगर आ गया क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका भी जो बैलेंस है वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में। क्योंकि स्टूडेंट्स जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सपोज ए बी ने मिस्टर सी से पैसा लिया, ठीक है, अगर पैसा लिया है तो उनको तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, अगर बैंक से आपने पैसा लिया है तो बैंक को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे कि पार्टनर्स लोन अकाउंट जो होता है, ठीक है, उसका पैसा क्या करना पड़ता है, ए और बी को मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, बाय वे ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मिस्टर सी को क्या करेंगे, ए और बी क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, पैसा दे के उसका जो लोन अकाउंट है उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो पैसा जा रहा है तो स्टूडेंट वो कौन सा अकाउंट आएगा वहां पे, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज किया पहले रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर किया बैलेंस इन पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट स्टेप जो फाइव है उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड मेक फाइनल पेमेंट बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, और जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी फाइनल बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स उसको क्या करेंगे हम लोग, फाइनल पेमेंट करेंगे, फाइनल पेमेंट करेंगे। फाइनल पेमेंट स्टूडेंट्स मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सपोज ए के हिस्से में 20,000 रुपया आ रहा है, बी के हिस्से में 30,000 आ रहा है और सी के हिस्से में 40,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो जो भी वहां पे बैलेंस मिलेगा आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना है, और वो बैलेंस स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इतना इतना बिजनेस बंद करने के बाद, बिजनेस पूरा का पूरा बंद करने के बाद स्टूडेंट्स इतना पैसा वो पार्टनर्स लेके जाएंगे अपने घर पे। ठीक है, इतना पैसा क्या करेंगे अपने घर पे लेके जाएंगे, बिजनेस पूरा बंद हो गया है। ठीक है, और रिमेनिंग पैसा असेट्स बेचने के बाद, लाइबिलिटीज पे करने के बाद इतना पैसा बच रहा है वो पैसा पार्टनर्स लेके जाएंगे कहाँ पे, अपने घर पे, अपने अपने घर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो जो हम लोग जो अकाउंट पास कर एंट्री जो पास करेंगे फाइनल पेमेंट का, वो हमारा कैश एंड बैंक से होगा, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे कैश एंड बैंक लेके जाएंगे साथ में। ठीक है, तो वहां पे कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा और फिर वही अकाउंट जो है फाइनल पेमेंट वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, कैश एंड बैंक अकाउंट में। तो स्टूडेंट वहां पे क्या होगा कि क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड मेक फाइनल पेमेंट देना है इसको बाय कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, क्लोज कैश और बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट को लास्ट में क्या करना है आपको, क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, एंड इट शुड बी टैली, ये क्या होना चाहिए आपका, कैश एंड बैंक अकाउंट आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, टैली होना चाहिए। किसी भी हालत में आपका कैश एंड बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए टैली। ठीक है, किसी भी तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को डेबिट साइड में 1,000 रुपया कम मिल रहा है, ठीक है, और क्रेडिट साइड में आप लोग को 1,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो डेबिट साइड में आप लोग क्या कर दो, 1,000 रुपीज लिख दो ऐसे ही। ठीक है, आप लोग का टैली हो जाएगा। ठीक है, बाद में आप लोग बोलोगे कि सर आपने बोला था कैसे भी होना होना चाहिए, कैसे भी मतलब एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर आपका कैश एंड बैंक अकाउंट टैली होता है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, राइट है। ठीक है, उसमें आपने कुछ भी मिस्टेक किया नहीं है। तो स्टूडेंट्स इतना होने के बाद, कैश एंड बैंक अकाउंट टैली होने के बाद आप लोग ये समझ सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, आपका प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, नेक्स्ट सम के लिए क्या हो सकते हो, बढ़ सकते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, तो होगा आपको समझ में आया होगा। तो ये स्टेप क्या करने हैं आप लोगों को, बायट रखने हैं, आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, जब भी हम लोग क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिजोल्यूशन का, हमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये स्टेप हमें ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, ये पूरे के पूरे स्टेप आप लोगों को दिमाग में होने चाहिए। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होता है कैश एंड बैंक अकाउंट में। ठीक है, और अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट आया तो वो पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, पे करना पड़ता है बाय वे ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, तो ये स्टूडेंट हो जाता है हमारा जो स्टेप है, ये स्टेप कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रिजोल्यूशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो होप आप लोग को जब भी नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो जब भी अपलोड करूंगा, तो होप आप लोग ये सारा फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट आप लोग क्या करोगे,
आप लोग बाय कर लोगे और इसी फॉर्मेट के थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपना जो भी सम है स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।